बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू बुखारे का जूस, जो कि ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है और जूस वगैरह जो है ना वो पिए जाते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा सा अल्लाह ताला ने हमारे लिए फल बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो है ना टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। और आलू बुखारा मैंने लिया है और साथ में इसके मैंने लिया है चीनी, मैंने लिया है। ये मैंने चीनी ली है और साथ में मैं नमक ऐड, इसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा मीठा सा होता है, इसलिए जो है ना इसमें मैं नमक ज़रूर ऐड करूँगी। और साथ मैंने लिया है वाटर, मैंने इसके छिलके जो नहीं उतारे वैसे इसकी कटिंग कर ली है। और सबसे पहले जो है मैं वाटर ऐड करूँगी। और फिर इसमें चीनी ऐड करूँगी और फिर जी आलू बुखारा और नमक। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे जिनको दिल का प्रॉब्लम हो, हार्ट पेशेंट हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो असर है वो ठंडा होता है। और ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको जो है ना ठंडी चीज़ें सूट करती हैं। और जी इसके बाद जो है ना जिनको यूरिन का प्रॉब्लम हो, यूरिन में रुकावट हो या फिर यूरिन में जलन हो, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जो ना लीवर के पेशेंट, यानी कि जिनको यकृत का प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ख़ास तौर पे जिनको जेंट्स पेन हो उनके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि वो जो है ना जूस यूज़ ना करें, वो वैसे आलू बुखारा जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये हमारी जिनको भूख नहीं लगती, ये भूख बढ़ाता है, इसमें आयरन भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें विटामिन भी हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बेस्ट करता है, और ये स्टमक के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और ख़ास तौर पर हमारी आइज़ यानी नज़र के लिए बहुत ही अच्छा है ये आलू बुखारा। आलू बुखारे के बहुत से फ़ायदे हैं। तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है ना वो गर्मियों का है, और गर्मी की वजह से जो है ना दिल करता है ठंडे ठंडे जूसेस पिए जाएं। और जिनको पसंद हो वो छिलका उतार सकते हैं, मैंने छिलका इसलिए नहीं उतारा क्योंकि हम लोग जो है ना छिलका उतार देते हैं और उसमें विटामिन और उसमें ज़्यादा जो है ना एनर्जी होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का और यमी बनता है आलू बुखारे का जूस। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी लुक आई है। ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा है, इतना इससे भी ज़्यादा मज़े का है। और मैंने स्ट्रेनर से इसको छान लिया है, क्योंकि इसमें मैंने जो है ना छिलके नहीं उतारे थे। और ये देखिए बहुत ही मज़े का और टेस्टी बना था सच में। और जी पहले मैं जो है ना अपना व्लॉग इस टाइम मॉर्निंग टाइम में अपलोड करती हूँ, तो आज मैंने नहीं किया। आज जो है ना मैंने ये रेसिपी मैंने अपलोड कर दी, क्योंकि इंशाल्लाह जो है ना शाम को मैं अपना व्लॉग डेली रूटीन जो है ना वो अपलोड किया करूँगी, और मॉर्निंग पे जो है ना मैं रेसिपी या जो भी रेमडीज होगी शॉर्ट वीडियो वो मैं इंशाल्लाह मॉर्निंग पे अपलोड किया करूँगी। तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा और इस जूस को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में। और ज़ाहिर है फल तो हर घर में अवेलेबल होते हैं, तो बस थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, तो बहुत ही मज़े का बनता है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं।
और जी इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो नई व्लॉग में होगी आपसे।